Hi student, and once again welcome to this channel. If you are new upon this channel, please subscribe and hit the bell icon to get the latest update about the IELTS test. आज हम बात करते हैं दिसंबर 2020 में कौन सी IELTS की डेट अवेलेबल है और किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहेगा. स्टूडेंट, दिसंबर को चार डेट्स अवेलेबल हैं, 3rd December, 5th December, 12th December एंड 19th December. अब देखते हैं कि कौन सी डेट को चांसेस हैं कि एग्ज़ाम के लेवल के कैसे रहेंगे. जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है किसी भी मंथ का, उसका लेवल मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा मुश्किल होता है ना ज़्यादा इजी होता है. और 3rd December को सिर्फ एकेडमिक का एग्ज़ाम है, ठीक है. 5th December को एकेडमिक प्लस जनरल ट्रेनिंग दोनों का कंबाइन एग्ज़ाम है. स्टूडेंट, जब भी कंबाइन एग्ज़ाम होता है तो लिसनिंग सेम प्ले की जाती है जनरल के स्टूडेंट्स के लिए और एकेडमिक के स्टूडेंट्स के लिए. उस केस में लिसनिंग का लेवल कंपैरेटिवली इजी रहता है. स्टूडेंट, मंथ का 3rd एग्ज़ाम है 12th December को, सिर्फ एकेडमिक का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है, तो इस केस में मेरे हिसाब से लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा. नेक्स्ट है, लास्ट एग्ज़ाम है 19th December, अगेन कंबाइन एग्ज़ाम है एकेडमिक प्लस जनरल ट्रेनिंग, और उसका लेवल इजी रहने के चांसेस हैं. स्टूडेंट, अगर आप एग्ज़ाम बुक करवाना चाहते हैं सो माय एडवाइस वुड बी ईदर 3rd December और 19th December. रेस्ट ये एक प्रडिक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड. बाकी अगर आप कॉन्फिडेंट हो या आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं. एंड गुड लक फॉर योर IELTS एंड डू कमेंट.